हेलो फ्रेंड्स, वंदना जी की रसोई में आपका स्वागत है। मैं हूँ वंदना। तो फ्रेंड, आज मैं आपको गुड़ की और मूंगफली की चटनी बनाना सिखाऊंगी। तो फ्रेंड, बहुत ही हेल्दी और खस्ता बनती है, इसको मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए वो देख लेते हैं। अब हम गुड़ की चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड, मैंने एक कटोरी एक गुड़ ले लिया है, ये मैंने देसी गुड़ लिया है। एक कटोरी मूंगफली के दाने, ये मैंने भुंजे हुए लिए थे, आप घर पर भी भून सकती हो, उनके छुक्कल निकाल लो। ये मैंने घी लिया है और ये इलायची पाउडर। तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, मैंने कढ़ाई रख दी है, अब हम इसमें गुड़ डाल देंगे। यह है, हमें चलाते हुए पूरे गुड़ को मेल्ट करना है। चलाते हुए हम इसको फोड़ते जाएंगे और स्लो गैस पर को मेल्ट करना है। फ्रेंड, हम इसमें एक चम्मच घी डाल देंगे और ये देखिए फ्रेंड, धीरे धीरे गुड़ हमारा पिघलने लगा है। तो फ्रेंड, ये बहुत ही हेल्दी होती है, ये सर्दियों के मौसम में अपन वैसे भी गुड़ खाते हैं तो गर्म रहता है, और मूंगफली भी आप इसको ज़रूर बनाएं, बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। ये आधी चम्मच हम इलायची पाउडर डाल देंगे फ्रेंड इसी में, इसे भी चलाते हुए हम भून लेंगे। और फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो फ्रेंड कमेंट में ज़रूर बताएं। हम इसको ऐसे ही चलाते हुए अच्छे से पका लेंगे फ्रेंड, हमें इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो फ्रेंड देखिए, ये पकने लगा है हमारा, इसे पकने में 3 से 4 मिनट लगते हैं। अब हम इसको देख लेते हैं ये पका है क्या नहीं। तो हम एक कटोरी में पानी ले लेंगे और इसको पानी में डालकर हम देखेंगे। इसका तार बनना है फ्रेंड, अभी ये पका नहीं है, तो हम अभी इसे और पकाएंगे। 2 मिनट और पकाएंगे फ्रेंड हम इसको। फ्रेंड, इसको हम स्लो गैस पर ही पकाएंगे, लगातार चलाते रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमारा गुड़ फूलने लगा है, ये जितना पकेगा उतना ही फूलेगा। तो देखिए, पककर डबल हो गया है। अब हम इसको देख लेते हैं और पानी में डालकर, अभी ये टूटने लगा है फ्रेंड, देखिए तो हमारा गुड़ हो गया है। तो देखिए फ्रेंड, हमारा गुड़ पक गया है, अब हम इसमें मूंगफली डाल देंगे। फ्रेंड, अभी हम अच्छे से मिला लेंगे। हमारा ये हो गया है, हमने गैस बंद कर दी है। अब हम पटे पर घी लगा लेंगे, हम इस पटे पर जमाएंगे इसको, इसको ग्रीस कर देंगे फिर अच्छे से, जिससे आसानी से हमारा निकल आए। तो फिर है ना, अभी गुड़ की चटनी हम इस पर डाल देंगे। तो फिर है ना, अभी हम ये गुड़ की चटनी का पेस्ट इस पटे पर डाल देंगे और अच्छे से फैला लेंगे। तो इसको हम अच्छे से फैला लेंगे फ्रेंड, जितनी मोटी हमें चटनी रखना है उसके हिसाब से हम इसको फैला लेंगे। आप चाहें तो फ्रेंड बेलन से भी इसे बेल सकते हो, ग्रीस करके, इससे आसानी से एक साइज की हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड, मैंने इसको इतना मोटा रखा है, आप चाहें तो इससे भी मोटा रख सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारी हल्की हल्की ठंडी हो गई है, हमें इसे हल्की ठंडे में ही काटना है, नहीं तो ये बाद में नहीं कटेगी। तो देखिए फ्रेंड, हमें जितनी बड़ी चक्की चाहिए हम उतनी बड़ी इसकी काट लेंगे। तो फ्रेंड, आप ये 10 मिनट में आसानी से बना सकते हो घर पर।
और आपको पता है इसमें क्या क्या डला है। बाहर के खाने से तो अच्छा है अपन इसको घर पर ही बनाएं, तो खुद भी खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं। तो फ्रेंड ये दीपावली पर आप जरूर बनाएं। तो देखिए फ्रेंड, मैंने इनको काट लिया है, थोड़ा और ठंडा होने देंगे जिससे ये आसानी से हमारी चकती बाहर निकल आएगी। तो देखिए फ्रेंड, हमारी चकती कट गई है, हमने इनको छोटे छोटे पीस में काट लिया है। अब हम इनको थोड़ा और ठंडा होने देंगे जिससे ये आसानी से हमारी पीस निकल आएंगे। तो 2 मिनट के लिए इनको ठंडा होने देते हैं फ्रेंड, तो फिर हम इनको निकाल लेंगे फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, हमारी गुड़ की और मूँगफली की चकती तैयार है, तो आप इसे खा सकते हैं फ्रेंड। अगर फ्रेंड आप चाहो तो इनको हम 1 से 1.5 महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रेंड।